दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू में हमारी बात कर रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू की। हमने इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं, और अभी आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे आसानी के साथ देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू में आज हम पढ़ने वाले इसका भाग छः, और आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कार्य के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, कार्य के आधार पर प्रविभागीय ऊतक या विद्युतक ऊतक के वर्गीकरण की बात करते हैं, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला है अधित्वक, या जिसे हम प्रोटोडर्म कहते हैं, दूसरा है प्रोकेंद्रा या प्रोकेंडियम, और तीसरा है भरण विद्युतक ऊतक या ग्रंथ मेरिस्मेटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोडर्म की। प्रोटोडर्म या अधित्वक की बात करते हैं, वह विद्युतक ऊतक जो बाह्य त्वचा का निर्माण करता है प्रोटोडर्म कहलाता है। क्या बात की भाई हमने, कि वह विद्युतक ऊतक जो बाह्य त्वचा का निर्माण करता है प्रोटोडर्म कहलाता है। जनरली जो एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा होती है, वो सबसे बाहरी स्तर होता है, और इसमें पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी होती है तथा एक सतत लेयर का फॉर्मेशन करती है, अखंड स्तर का निर्माण करती है। जैसे कि ये यहाँ पर डायग्राम देखा है हमने, तो इस डायग्राम में सबसे बाहर का जो लेयर होगी, वो सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस कहलाती है, और इसी एपिडर्मिस का निर्माण करने वाले मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम प्रोटोडर्म या अधित्वक कहते हैं। दूसरी तरफ चले प्रोकेंबियम, प्रोकेंबियम या ट्राक एधा। प्रोकेंबियम से तात्पर्य ऐसे विद्युतक ऊतक से है जो प्राइमरी श्ववहन ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहां पर देखिए कि वह विद्युतक ऊतक जो प्राथमिक संवहन ऊतकों का निर्माण करती है प्रोक एधा या प्रोकेंबियम कहलाती है। ठीक है, कि वह विद्युतक ऊतक जो प्राथमिक संवहन ऊतकों का निर्माण करती है, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, प्रोकेंबियम कहलाती है, जिसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और ये इसकी जो इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती है, जनरली कैसी होती है, लंबी होती है। अगर हम इस डायग्राम में बात करें, तो डायग्राम में हम ये देख रहे हैं, जो सेक्शन है, इस सेक्शन में सबसे मध्य वाला जो भाग होगा, मध्य वाले भाग में यहाँ पर आप कलर बिल्कुल देख रहे हैं, ब्लैक कलर से, जो कि ब्लैक कलर जाइलम को शो कर रहा है, जबकि जो रेड कलर है वो फ्लोएम को शो कर रहा है, और इन दोनों के बीच बीच में जो है कैम्बियम पाया जाता है। तो इस प्रकार के लेयर का, इस प्रकार के ऊतकों का निर्माण करने वाला मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो प्रोकेंबियम कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रकार के ऊतक की बात करते हैं, तीसरे प्रकार के भरण ऊतक या ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, तो वह विद्युतक ऊतक जो अपने विभाजन के फलस्वरूप हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल तथा पित्त का निर्माण करते हैं, भरण ऊतक कहलाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको ये जानने पहले कि भरण ऊतक क्या कहलाते हैं। देखिए, एपिडर्मिस तथा संवहन ऊतकों को छोड़ने के बाद, एपिडर्मिस तथा संवहन ऊतकों को छोड़ने के बाद जो ऊतक शेष बच जाते हैं, उन ऊतकों को हम भरण ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतकों का निर्माण करने वाले विद्युतक ऊतक को हम कहते हैं भरण विद्युतक ऊतक। अब ये किस किस का निर्माण करेंगे, ये निर्माण करते हैं अधित्वचा, या जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, वल्कुट या जो कार्टेक्स, अंतर त्वचा या एंडोडर्मिस, तीसरा पेरिसाइकल, और सेंटर में पाए जाने वाले पित्त या मज्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इन सारे के सारे जो स्तर होते हैं, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, बड़ी होती है, समद्विहासी होती है तथा पतली भित्ति वाली होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात, और यहाँ पर मैंने परिभाषा के रूप में क्या लिखा है, कि बाह्य त्वचा संवहन बंडल की ऊतक को छोड़कर
सभी प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भरण ऊतक कहलाते हैं। और भरण ऊतक का ही निर्माण करने वाले विद्युत ऊतक को भरण विद्युत या ग्रम मेरिस्टेम कहा जाता है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर किसकी हो गई, एपिडर्मिस की हो गई। जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर में सबसे सेंटर वाला जो भाग होगा, अब जहां पर एपिडर्मिस और के बीच में कॉर्टेक्स पाया जाएगा, कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल, हाइपोडर्मिस, तो इस प्रकार से जितने स्तर होते हैं, इन सारे के सारे स्तरों का निर्माण करने वाला जो ऊतक होगा वो होगा भरण विद्युतक ऊतक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया। एक क्विक रिवाइज कर दे, प्रोटोडर्म एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करने वाला मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या कहलाएगा, प्रोटोडर्म कहलाएगा, ठीक है। वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करने वाला मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रोकैम्बियम कहलाएगा। जबकि इन दोनों को छोड़कर, अर्थात एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर, शेष सभी प्रकार के ऊतकों का निर्माण करने वाला जो मेरिस्टेम है वो कहलाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्लेन ऑफ डिविजन के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।